सब्सक्राइब करें HVAC गाइडलाइन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम ऑयल सम्प के बारे में सीखेंगे कि ये ऑयल सम्प क्या काम करता है, किस लिए लगाया जाता है और कैसे वर्क करता है। तो ये ऑयल सम्प है, ये मिडल वाला जो टैंक देख रहे हैं आप, ये देखिए इसमें के ऑयल यूज़ होता है कंप्रेसर का, यॉर्क का के ऑयल यूज़ होता है स्पेशल। ये यॉर्क अपना खुद का के ऑयल बनाता है, वही हमको यूज़ करने के लिए बोलता है, वही हम यूज़ करते हैं। ये 15 गैलन का टैंक है सम्प ऑयल का। अब मैं इसको वन बाय वन, आप जो पाइप देख रहे हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये इसका ऑयल फिल्टर है, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं, ये पहले बड़े पाइप से शुरू करते हैं। ये ऑयल कंप्रेसर से देख लीजिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ये ऑयल सम टैंक में ऑयल आता है, वापस आता है। और ये जो आप देख रहे हैं प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर से, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर में ऑयल ठंडा होकर नॉर्मल टेम्परेचर में ये लुब्रिकेशन के लिए फिल्टर से फिल्टर होकर कंप्रेसर में जाता है। ये डिस्चार्ज टैंक से देख रहे हैं, ये एक पाइप जा रहा है, ये पतला वाला पाइप, ये वाला, ये प्रेशर होल्डिंग के लिए जा रहा है। ये इसका ऑयल हीटर है और ये इवेपोरेटर से दो पाइप आ रहे हैं। एक मैं नीचे से दिखाता हूँ, ये वाला पाइप जो नीचे से आ रहा है, देखिए वो पाइप नीचे से आ रहा है। ये फिर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है, इसकी बेलो इधर लगी हुई है, क्योंकि ये जो नॉर्मल टेम्परेचर को करना है ना, तो इसीलिए वो तभी एक्सपैंड होकर उतना ही खुलेगा। और ये वापस इवेपोरेटर को जा रहा, देख सकते हैं। ये वाला जो पाइप है इसका ऑयल, इसका ऑयल ठंडा करने के लिए ऑयल सम से आ रहा है, ऑयल आ रहा है। फिर ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में जाके फिर वापस आउटलेट इसका ऊपर फिल्टर में से फिर सीधा ऊपर। फिर ये जो पाइप है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टैंक में वापस आ रहा है। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये रिजर्व टैंक का पाइप है, ये वाला, ये रिजर्व टैंक का पाइप वापस टैंक के अंदर जा रहा है। और ये जो पतला पाइप आप देख रहे हैं डिस्चार्ज लाइन पे लगा हुआ है, ये सीधा वो कंट्रोल बोर्ड में जा रहा है इसका प्रेशर और मेजर करने के लिए। और ये इसका ट्रांसड्यूसर है प्रेशर डिजिटल मीटर पे देने के लिए, डिस्प्ले पे शो करने के लिए, पूरा डिजिटल ये पूरा प्रेशर कितना है, ऑयल हीटर सब यही शो करता है। ये इसका ऑयल पंप है, ठीक है दोस्त, अब देख सकते हैं आप ऑयल हीटर। और ये जो दोस्त, ये जो आप बॉटल देख रहे हैं, ये भी हम एनुअल PPM में जब हम ऑयल पंप, ऑयल फिल्टर, ड्रायर कोर और हीट एक्सचेंजर क्लीन करते हैं और डिस्केलिंग करते हैं, तब ये हम ये भी रिमूव करके इसको भी जितना इसमें ऑयल रहता है, वेस्ट ऑयल रहता है, वो हम फेंक देते हैं। अगर ये वेस्ट ऑयल किधर से आता है, ये शाफ्ट सील से आता है, इसका थोड़ा थोड़ा आता है, अगर ये ज़्यादा आएगा तो हमारी शाफ्ट सील को डैमेज हो गई है तो ये पूरा फुल हो जाएगा। अगर ये थोड़ा थोड़ा आएगा तो हमारी शाफ्ट सील सही वर्क कर रही है और हम इसको, ये वेस्ट ऑयल हम इसको फेंक देते हैं और इधर से हाउसिंग खोल के हम पूरी शाफ्ट सील भी चेक करते रहते हैं, जिसका यही काम है, देख सकते हैं आप ऑयल सम। जब आप इसको स्टैंड बाय पे कर देंगे, अभी ये गर्म है तो आप स्टैंड बाय पे कर देंगे तो ये अपना नॉर्मल एक टेम्परेचर रख के वो हीट रहता है। जब आप इसको रनिंग में डालेंगे तो फिर ये एक्सपेंशन डिवाइस ये पूरा काम करना शुरू कर देगा, जितना ऑयल टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए उसको, बिल्कुल ठंडा नहीं करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। ये इसकी वर्किंग है। अगर आपको कोई इसके बारे में क्वेश्चन होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी पूरी बता दूंगा। इसमें के ऑयल यूज़ करते हैं, यॉर्क का स्पेशल के ऑयल आता है, देख सकते हैं, यूज ओनली के ऑयल यॉर्क, हम इसका यॉर्क का के ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ये अटैच टाइप सेंसर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है,
अटैच टाइप मतलब ये पिन टाइप ही है, इसके पीछे पिन टाइप रहता है, ये इसको अंदर प्लग कर देते हैं। अभी मैं खोल नहीं सकता क्योंकि ये रनिंग में है, तो मतलब ऑन मोड में है। अगर ऑफ होएगा तो मैं इसको खोल के आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये इसका ऑयल ड्रेन करने के लिए ऑयल सम्प का। और मैं आपको ये रनिंग में दिखा देता हूँ, ये देखिए ऑयल सम्प, ऑयल सम्प का प्रेशर कितना रहता है रनिंग में। इसका ऑयल प्रेशर अभी 33-36 रहेगा, देखिए 36 जा रहा है, 33-36 रहेगा। ऑयल सम्प टेम्परेचर, ये ट्रांसड्यूसर मैंने बताया था ना आपको कि ट्रांसड्यूसर लगा हुआ सब जो बताता है डिस्प्ले पे, वही बताता है प्रेशर, टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर, HOP, ऑयल प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ऑयल, ये हीटर, ऑयल हीटर ऑन होएगा तो इधर लाइट आएगा, ऑयल रिटर्न, सोलेनाइड, वो जो मैंने आपको सोलेनाइड दिखाया था ना, ऑयल पंप रनिंग आउटपुट, ये इसका ड्राइव, वो मैंने आपको मोटर दिखाया ना वो इतने पे है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हर्ट्स में कन्वर्ट होके मतलब हर्ट्स में चलता है, 35 हर्ट्स, जैसे जैसे प्रेशर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है तो अपने आप वो पंप ज़्यादा करता है। मैं अभी आपको स्टैंडिंग में दिखाता हूँ, ये हमारा चिलर स्टैंड बाय है, ऑयल सम्प में जाएंगे, देखिए प्रेशर 00 है, ऑयल सम्प टेम्परेचर, क्योंकि मैंने बोला था ना ऑयल हीटर चल रहा है, देखिए ऑयल हीटर चल रहा है, बोला था ना मैंने आपको ऑयल हीटर चल रहा है, बाकी सब यही है। स्टैंडिंग 25 हर्ट्ज़ में खड़ा है, 35 PS देख सकते हैं आप। इसमें सेट पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं, बट ये फैक्ट्री सेट पॉइंट्स हैं तो हम चेंज नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड,